हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू माय चैनल द बिंज वॉचर शो, जिसमें हम नई नई मूवीज के रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज मूवी शेरनी को, जिसे लिखा है आस्था टीकू, यशस्वी मिश्रा और अमित मसूरकर ने। इसके स्टार कास्ट में हैं विद्या बालन, ब्रजेंद्र काला, शरद सक्सेना, मुकुल चड्ढा, इलारुण और विजय राज। इसे डायरेक्ट किया है अमित मसूरकर ने। अगर विकास के साथ जीना है तो पर्यावरण को बचा नहीं सकते, और अगर पर्यावरण को बचाने जाओ तो विकास बेचारा उदास हो जाता है। ये डायलॉग फिल्म शेरनी की पूरी कहानी एक लाइन में बयां कर देता है। वो फिल्म याद है आपको, राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम के दौर की फिल्म हाथी मेरे साथी। उसके गाने की लाइन है, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है, चुप क्यों है संसार। संसार की इस चुप्पी पर डायरेक्टर अमित मसूरकर का दिल रोया है फिल्म शेरनी बनकर। जन जंगल और जिंदगी के बीच झूलती अमित की ये नई फिल्म उस फिल्म मेकर की विकसित होती शैली की एक और वानगी है, जिसकी पिछली फिल्म न्यूटन भी इन तीन मुद्दों की मूल भुरैया का रास्ता तलाश रही थी। इस बार उनके साथ है अपनी हर फिल्म से एक्टिंग की और बड़ी लकीर खींचती विद्या बालन, एक आईएफएस विद्या विंसेंट के रोल में। फिल्म शेरनी के ओपनिंग क्रेडिट्स अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी देखना सुखद एहसास है। फिल्म शुरू होती है और इसका एक बड़ा हिस्सा जंगल और इंसान के रिश्ते को दोहराता दिखता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग जंगल में बसे लोगों को कैसे रोजी रोटी में मदद कर रहा है, कैसे जंगल में बसे लोगों को जंगल का दोस्त बनाकर जंगलों और इंसानों दोनों को बचाया जा सकता है, और ये भी कि कैसे जंगल विभाग के अफसर अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए अपने ही पेशे से गद्दारी करते रहते हैं। फिल्म शेरनी की शेरनी T12 तो है ही, DFO विद्या विंसेंट भी शेरनी की तरह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। T12 में दो बच्चों को जन्म दिया है और उसके बाद भी शिकारी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। विद्या जल्द से जल्द माँ बन जाए, इसके लिए उसकी माँ और उसकी सास दोनों उसके पीछे पड़े हैं। विद्या बालन ही मौजूदा एक्ट्रेस में ऐसे फिल्म कर भी सकती हैं। ना तो उसकी कहानी में ग्लैमर है, ना फॉर्मूला फिल्मों से मसाले हैं, और ना ही किसी रैपर या म्यूजिक अरेंजर का म्यूजिक। यहाँ सब कुछ देसी है, खालिस देसी। फिल्म शेरनी सीधे आपको आपके ड्राइंग रूम से उठाकर रायसेन, बालाघाट और अब्दुल्लागंज के जंगलों में रख देती है। ऐसे जंगल जहाँ शिकारी टट्टी सूंघ कर ये बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ से टाइगर गुजरा था कि तेंदुआ। ये वो लोग हैं जो शेर की आंख में देखकर ये बताने का दावा करते हैं कि वो आदमखोर है कि नहीं। शहरों में जब घरों में बंदर घुसते हैं तो सब परेशान होते हैं, लेकिन ये कम ही सोचते हैं कि उनके शहर फैलते फैलते जंगलों तक आ चुके हैं। घुसपैठ बंदर नहीं, इंसान कर रहे हैं। कहानी यहाँ भी वही है, जानवर और जंगल को अलग अलग समझने की भूल की। फिर इसमें राजनीति है, हर बात पर यस सर बोलने वाले अफसर हैं, और हर बात पर यस सर बोलने वाले ही राज धर्म और तन का नाश कराते हैं। ये तो तुलसी बाबा बरसों पहले रामचरितमानस में लिख गए हैं। फिल्म शेरनी एक सच्ची घटना से निकली फिल्म है, एक ऐसे माहौल की फिल्म जिसमें वोटों के लिए इंसानों की बलि दे दी जाती है। शेरनी की तो औकात ही क्या है। विद्या बालन के करियर का ये एक और अहम पड़ाव है। पिछले साल उनकी फिल्म शकुंतला देवी को OTT पर बेइंतहा प्यार मिला। अब वो एक ऐसी फिल्म लेकर आई हैं जिसमें उनका जंगल और जानवरों से प्यार एक बहुत बड़ा संदेश देता है। विद्या ने हिंदी सिनेमा में एक्टिंग की जो लीग बनानी शुरू की है, वहां तक उसे कम एक्ट्रेस ही खींच कर ला पाई हैं। वो फिल्म दर फिल्म कमाल कर रही हैं। फिल्म शेरनी भी उनके सहज अभिनय का विस्तार बन गई है। विद्या बालन की मिशन मंगल और शकुंतला देवी के बाद कामयाबी की ये हैट्रिक है। इन तीन फिल्मों में विद्या ने तीन मजबूत किरदारों में जान डाली है। विद्या बालन के साथ फिल्म शेरनी में दमदार कलाकारों की एक मजबूत टोली है। ब्रजेंद्र काला को वेब सीरीज 3-2-5 के बाद फिर एक ऐसे किरदार में अपना काम दिखाने का मौका मिला है जो कहानी में कैटलिस्ट का काम करता है। ब्रजेंद्र के किरदारों की कहानियों में लंबाई बढ़ते देखना अच्छा लगता है। नीरज कवि का रोल छोटा है, लेकिन विद्या के किरदार का ईमान दिखाने के लिए जरूरी है। शरद सक्सेना को उनकी कद काठी के अनुरूप ही किरदार मिला है और इसे उन्होंने निभाया अच्छे से है। विजय राज का किरदार ऐसा है कि इसमें विजय राज का होना ना होना फर्क नहीं डाल पाया है। फिल्म शेरनी की
तमाम खूबियों के साथ इसकी खामियां भी साथ चलती हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी मध्य प्रदेश के जंगलों की नेचुरल ब्यूटी पकड़ने में नाकाम रही है। DFO लेवल के वन अधिकारी का जैसा रहन सहन एक सरकारी बंगले में होता है, वैसा दिखा पाने में भी फिल्म का आर्ट डिपार्टमेंट नाकाम रहा। वन विभाग के दफ्तरों को भी बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। म्यूजिक भी फिल्म का काफी कमजोर है। न्यूटन में भी ये कमी खड़ी थी। फिल्म शेरनी चलती भी थोड़ी धीमी गति से है, लेकिन अमित मसूरकर का सिनेमा रफ्तार वाली दुनिया के लिए हैवी नहीं, यह अलग ही दुनिया है। यहाँ पैदल चलने वाला ही रेस जीतता है। आस्था टेकू का स्क्रीन प्ले अपने हिसाब से बहता है। हाँ, एडिटिंग चुस्त करके फिल्म की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी, लेकिन धीमे धीमे बहने वाली नदियों का भी अपना अलग सौंदर्य है। जरूर देखिएगा इसे इस वीकेंड पर। तो दोस्तों, ये था फिल्म शेरनी का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं सिद्धांत मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।